हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आप ही सभी मेरे प्रिय विद्यार्थियों के यूट्यूब चैनल कलाम को सलाम में। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 के लिए मैथमेटिक्स, जिसमें चैप्टर नंबर 3 चल रहा है हमारा। और इसमें हमने प्रश्नावली 3.2 के सवाल नंबर 4 तक कर लिए थे। आज हम प्रश्नावली 3.2 को कंप्लीट कर लेंगे, 3.3 भी करेंगे और 3.4 भी करेंगे, क्योंकि ये जो लेक्चर हैं, जो मैथ के चैप्टर चल रहे हैं, ये हमारे एक प्रिय विद्यार्थी रियाज, उन्होंने बोला था कि सर ज़्यादा से ज़्यादा कराया जाए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा वर्क कर सके। तो आज हम ये जो हमारा लेक्चर है थोड़ा बड़ा होने वाला है, तो प्लीज़ ध्यान से कीजिएगा और मैं समझाने की कोशिश करूँगा आपको अच्छे से, कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 4 तक क्वेश्चन हो गए थे, 5वां क्वेश्चन आज हम पढ़ने वाले हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बता देता हूँ कि मैं ग्राफ तो आपको बनाकर नहीं दिखाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा तरीका बता दूंगा, जैसे मैंने पीछे के क्वेश्चन में आपको बताया था कि ग्राफ को आपको कैसे शो करना है। चलिए बिना समय गवाए 5वें क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिए, लिखा हुआ है, आपको दिखाई दे रहा है बुक में, बुक आपको पता ही है कि हम NCERT से कर रहे हैं। एक आयताकार बाघ, बाघ आपको पता है, बाघ का आकार है आयत के जैसा। अब आयत के जैसा आगे, तो आयत के बारे में थोड़ी बहुत ही आपको इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। आयत क्या होता है? जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। और आयत का परिमाप क्या होता है? आयत का परिमाप होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। ऐसे परिमाप के बारे में आपको पता है, परिमाप चारों ओर का योग। कोई भी आकृति आप ले लो, जिंदगी में कोई भी आकृति पढ़ो, उसकी सारी भुजाओं को, सारी साइड्स को यदि आप जोड़ देते हो, तो आपको जो मिलता है वो परिमाप कहलाता है। अब आयत में 2 लंबाई होती है, 2 चौड़ाई होती है, दोनों लंबाई को जोड़ो, 2 गुना लंबाई प्लस 2 गुना चौड़ाई। जब 2 कॉमन लोगे तो लंबाई प्लस चौड़ाई गुना 2 ऐसे निकलता है। लेकिन यहाँ पे लिखा है आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। अब देखो, दो चीज़ है आयत में, लंबाई और चौड़ाई। हमने मान लिया कि देखो यहाँ पे कर रखा हमने लंबाई को एल मीटर, एल का मतलब लेंथ, लंबाई को एल मीटर मान लिया और चौड़ाई को बी मीटर मान लिया। आई होप इतना समझ में आ गया। अब देखो क्या लिखा हुआ है, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। ऐसे लिख दूंगा बिल्कुल, लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक। देखो ऐसे लिख दिया हमने, लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक। लंबाई कितनी मान रखी है? एल मान रखी है, चौड़ाई बी मान रखी है 4। तो एल बराबर बी प्लस 4, या आप इसको ऐसे लिख दो, बी इधर आके माइनस को हो गया, एल माइनस बी बराबर 4। ये बन गया समीकरण नंबर 1। अब आगे देखो क्या लिखा है, जिसका अर्ध परिमाप, हिंदी में लिख दिया अर्ध परिमाप बराबर 36 लिख दिया। अब देखो परिमाप में भी अर्ध लगा हुआ है, अर्ध का मतलब आधा। अगर आयत का परिमाप लिखा हो तो 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई का आधा करोगे, 2 से 2 कट जाएगा तो 2 हट जाएगा, यानी कि लंबाई प्लस चौड़ाई आपको 36 दे रखा है। फिर से सोचो, अगर परिमाप होता है तो 2 की गुना होती, लेकिन आधा दे रखा, 2 से 2 हट गया, तो एल प्लस बी 36। देखो समीकरण 1 है, समीकरण 2 है। अभी हम इसको सॉल्व करना, वही ग्राफ वाली विधि से, समीकरण 1 एक इधर ही लिख लिया और एक दूसरे वाली इधर लिख लिया। अब L और B ऐसे लिख लिया, आपकी मर्जी है, L जो कोई छोटे छोटे मान रख दीजिए, आपको 2 पॉइंट मिल जाएंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे L को 0 कर दिया। अब देखो L को 0 करोगे, 4 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो बी माइनस 4 बन जाएगा। L को अगर आप 4 करोगे तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो बी 0 मिल जाएगा। तो पॉइंट मिल गए 0, -4 और 4 और 0। इधर की बात करते हैं, हमने क्या किया, एल यहीं कहीं रख दिया, बी उधर जाके माइनस हो गया। इसमें हमने थोड़ा रखा, क्या रख के देख लिया, 20 रख के देख लिया तो 16 मिल गया, 12 रख के देख लिया तो 24 मिल गया। अपनी तरफ से रख सकते हो, रटने वाली बात नहीं है कि जो मैंने रखे वही रखो गया। ये पॉइंट आपको मिल गया 20, 16 और 12, 24। अब आप क्या करोगे, एक्स, ये देखो मैंने लिख दिया, इस बिंदु को ग्राफ पर दर्शाएं। अब आपने क्या करना है, ग्राफ पेपर लेना, उसमें एक्स अक्ष पर लिख लेना, देखो लगभग 20 तक पॉइंट लिखोगे, वाई पर आप 24 तक लिख लेना, फिर इधर माइनस वाले लिख लेना, लेफ्ट साइड में माइनस वाले होते हैं। अब आप इन पॉइंट को मिलाना, जहां पर भी कट हो जाएंगे दोनों लाइनें, वहां पर आपको एक्स और वाई का मान मिल जाएगा, वहां पर आपको लंबाई और चौड़ाई मिल जाएगी। और जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि आप दोनों समीकरणों को सॉल्व करके देख लिया करते हैं, वहां से आपका आंसर श्योर हो जाएगा कि आंसर तो यही आएगा, उसको ग्राफ में दर्शा दो। तो बहुत ही आसान है, आपको ये ऐसे करना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं, सवाल नंबर 6 देखिए। एक रैखिक समीकरण, ये समीकरण दे रखी है, 2x + 3y - 8 = 0। देखो रैखिक का मतलब मैंने समझाया था, जिसमें अधिक से अधिक घात एक होती है, उसे रैखिक समीकरण कहते हैं। तो 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। दो चरों में से एक ऐसी रैखिक समीकरण लिखी है, यानी कि एक और समीकरण लिखनी है।
ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेदी करती रेखाएं हो, समांतर रेखाएं हो, संपाती रेखाएं हो। ये प्रतिच्छेदी वाली भी हमने पढ़ा था, हमने बताया था ए वन बटा ए टू बराबर नहीं होता बी वन बटा बी टू के। समांतर रेखा में क्या होता है, ए वन बटा ए टू बराबर बी वन बटा बी टू बराबर नहीं होता सी वन बटा सी टू के। और संपाती में तीनों बराबर होते हैं, आपको बस यही शो करना है। और देखो समीकरण कैसे बनाओगे, एक बार बता देता हूँ इस बुक के हिसाब से। पता नहीं इन्होंने क्या मान रखा होगा, तो आंसर आपके अलग भी आ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रैखिक समीकरण तो बहुत सारी प्रकार की हो सकती है। चलिए मैं बताता हूँ कैसे करते हैं। मान लीजिए हमने इस समीकरण को लिख लिया, यहाँ पर ये रहा आपका सवाल। इस समीकरण को हमने लिख लिया, पहला पॉइंट हमने लिख दिया, जैसे लिखा है प्रतिच्छेदी करती रेखाएं। प्रतिच्छेदी करती रेखाएं की कंडीशन ये होती है ए वन बटा ए टू बराबर नहीं होता बी। तो हम बात कर रहे थे कि जो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं उसकी कंडीशन होती है ए वन बटा ए टू बराबर नहीं होता बी वन बटा बी टू, हमने ऐसे लिख लिया। अब देखो आपकी समीकरण दे रखती है 2x+3y-8=0, तो ये ए वन हो गया, बी वन हो गया, सी वन हो गया। हम उसने कहा था कि दूसरी समीकरण और लिखनी है, मैंने मान लिया दूसरी ax+by+c=0, बिल्कुल इसके जैसे ही लिख दी। तो इसको ए टू कह दिया, इसको बी टू कह दिया और इसको सी टू कह दिया। अब हमने ए वन ए टू निकाल के रख लिया, बी वन बी टू। अब आप देखो ए वन ए टू ए है, दो है, बी ए टू आपका ए है, तो 2/a आया। बी वन आपका 3 है, ये बी है, तो 3/b आया। अब ये बराबर नहीं होंगे कैसे, अब ऐसा ए का कोई मान पता होना चाहिए, बी का कोई मान, एक तो 2 नहीं होना चाहिए, 3 नहीं होना चाहिए। अगर ए भी 2 हो गया तो 2 से 2 कट के 1 हो जाएगा, हो जाएगा ना। अगर बी भी 3 हो गया तो 3 से 3 कट के 1 हो जाएगा, यानी कि दोनों बराबर आ जाएंगे। तो हमें ए का कुछ अलग मान रखना है, बी का कुछ अलग मान रखना है। तो अब आप सोचो वैसे से अच्छा सा तरीका क्या किया हमने इसमें, देखो ऐसे कर दिया कि 3 को 2 की जगह रख दिया, 2 को 3 की जगह रख दिया, यानी कि हमने मान लिया कि ए आपका 3 हो गया और बी आपका 2 हो गया। और ये जो सी है, अगर सी आप 8 भी रखते हैं -8, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। वैसे आप 8 रखना मत, क्योंकि अगर आप 8 रखोगे तो तीसरा बराबर हो जाएगा, ये थोड़ी इस कंडीशन थोड़ी दिक्कत आ जाएगी। तो आप क्या करना, सी को भी बदल देना, 7 रख लो, 6 रख लो, 5 रख लो, कुछ भी रख लो, बस ए और बी को चेंज कर दो। अब देखो अगर आप सोचते हो तो अगर आप ए की जगह 3 रखोगे 2/3 हो जाएगा ना, ये जो 3 है यहाँ रख दो जहाँ ए है, 2/3 हो जाएगा, और जो 2 है यहाँ रख दो 3/2 हो जाएगा, फिर भी दोनों बराबर नहीं है। तो हमने दूसरी समीकरण बना दी 3x+2y-7=0। फिर से समझो हमने क्या किया, सबसे पहले ए वन ए टू और सी वन के मान, ए वन और बी वन के मान लिख के, और दूसरी समीकरण ax+by+c रख के हमने ए वन बटा ए टू निकाल लिया, बी वन बटा बी टू निकाल लिया, दोनों को देखा बराबर नहीं है। तो ए का और बी का ऐसा क्या मान होना चाहिए, हमने सोच लिया ए का मान 3 है, बी का 2 और सी को हमने -7, तो ये आपकी समीकरण आ गई। अब दूसरी कंडीशन में क्या रहा, समांतर रेखाएं के लिए, समांतर रेखाओं के लिए कंडीशन होती है ए वन बटा ए टू बराबर बी वन बटा बी टू बराबर नहीं होता सी वन बटा सी टू के। फिर से वही बात, हमने देखो इतना निकाल कर रख लिया, फिर से दूसरी समीकरण को ऐसे मान लिया। अब देखो ए वन बटा ए टू बराबर बी वन, ये कंडीशन होती है, हमने सारे मान फिल करके देखे, आपने देखा 2/a बराबर 3/b बराबर -8/c। अब ए और बी का मान तो बराबर एक जैसा होना चाहिए ना, तभी तो कंडीशन बनेगी। देखो ये लिखा हुआ है ए वन बटा ए टू बराबर बी वन बी टू, यानी कि ए वन ए टू और बी वन बी टू आपस में बराबर होने चाहिए। तो हमें क्या करना है, ए और बी का कुछ ऐसा मान रखेंगे हम ताकि दोनों सॉल्व करके एक जैसा है। मान लो हमने, मैंने रख दिया ए का मान 2 रख दिया, कितना रख दिया 2, तो 2 से 2 कट के 1 आएगा, बिल्कुल। बी का मान 3 रख दिया, 3 से 3 कट के 1 आएगा। सी का कुछ अलग कर देते हैं, सी का 2 रख दिया तो 4 हो गया। अब आप देखो आप ऐसे भी देखोगे, अगर आप यहाँ पे ए को 2 कर दोगे तो 1 आएगा, ठीक, बी को 3 कर दो फिर से 1 आएगा, तो 1/1 और यहाँ पे रखोगे तो 2 आ जाएगा। तो फिर भी कंडीशन फॉलो कर रही है, तो हमने समीकरण बना दी 2x+3y-2=0। आप कुछ और रख के भी देख सकते थे, बस ये दोनों बराबर लाने हैं आपको, तीसरा अलग लाना है। तो आपकी समीकरण ये हो गई। तीसरा देखिए, समान संपाती रेखा का कंडीशन क्या होते है, तीनों बराबर होते हैं। फिर से वही सारा काम किया हमने, इस बार देखो मान लो ए वन बटा ए टू 2/a, बी वन बटा बी टू 3/b, सी वन बटा सी टू -8/c। अब तीनों को बराबर करना है, हमने ए को 2 रख लो या 4 रख लो, बी को, अच्छा थोड़ी अलग बतानी है इसलिए पहले मैंने 2 रख के बताया आपको, 2 रखोगे तो 1 आएगा, 3 रखोगे फिर 1 आएगा, -8 रखोगे 1 आ जाएगा। तो हमने क्या किया, दुगना कर दिया, तो 4 रखोगे मान लो यहाँ पर जहाँ ए है, ध्यान से देखिएगा ये ए 4 है, यहाँ 4 फिल करोगे 2 ही कम 2, 2 दूनी 4, 1/2 आएगा। बी की जगह 6 रखोगे, 3 ही कम 3, 3 दूनी 6, 1/2 आ जाएगा। सी की जगह -16 रखोगे, 8 ही कम 8, 2 दूनी 16, 1/2। तो यानी कि आपकी कंडीशन बनती है 4x+6y-16=0। आइयो पापा आपको चीजें समझ में आ गई होगी, बहुत ही आसान। चलिए एक आखिरी क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए सवाल नंबर 7 लिखा हुआ है, समीकरणों x-y+1=0 और 3x+2y-12=0 का ग्राफ कीजिए। देखो इसको मैंने करके तो नहीं दिखाया, लेकिन बहुत आसान बताता हूँ, पहले ही ऑलरेडी 2 समीकरणें दे रखी है, ठीक।
ठीक, दो समीकरण दे रखे, दो लाइनें खींचना, एक तरफ एक समीकरण दूसरी तरफ दो समीकरण, एक्स के रूप में बना लो या वाई के रूप में बना लो, एक्स और वाई के मान भर देना, दोनों तरफ दो पॉइंट मिल जाएंगे। फिर से सोचो हमने क्या करा, एक समीकरण ये रही दूसरी ये रही, एक तरफ एक्स के बराबर में कुछ कर देना, दूसरी वाई के बराबर में कुछ करना, एक्स और वाई के मान करके दो दो पॉइंट निकल जाएंगे, उनको ग्राफ पर दर्शाना। आप क्या करोगे, जब दोनों को कहीं ना कहीं ज्वाइन करोगे, दोनों को कहीं ना कहीं मिलाओगे, तो एक त्रिभुज वाली आकृति मिलेगी, उसको शेड कर देना, बस इतना सा काम करना है। फिर से सोचो, देखो एक्स अक्ष और इन रेखाओं से त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, निर्देशांक आ जाएंगे आपके, और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए, दोनों समीकरणों से पॉइंट आ जाएंगे, दोनों को ग्राफ पर दिखाना, जहां पर कटेंगे एक आपको त्रिभुज जैसी आकृति दिखाई दे जाएगी, बस इससे ज्यादा क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। तो ये था सवाल नंबर 7। अगर आपको फिर भी समझ में आया तो कमेंट, समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, इसको भी करा दिया जाएगा। तो ये आपकी 3.2 पूरी हो जाती है एक्सरसाइज। अब हम आगे चलते हैं, अगला जो टॉपिक होगा प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि किसे कहते हैं, आई होप मेरे ख्याल से आप लोगों ने पढ़ रखा है, पर फिर भी मैं बता देता हूँ प्रतिस्थापन विधि के बारे में। देखिए मैंने एक क्वेश्चन करके एक उदाहरण के जरिए समझाने की कोशिश की है प्रतिस्थापन विधि। मान लो एक समीकरण लिखी है 7x-15y=2, दूसरी जो समीकरण लिखी है x+2y=3, समीकरण 2, हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। हमने क्या किया, चाहे एक को ले लो या दो को ले लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो मैंने एक्स को यहीं रखा, 3 यहीं कहीं रखा, 2y धरा के माइनस कर दिया, इस समीकरण का मान, यानी कि मैंने दूसरी को इस रूप में लिख दिया, यानी कि एक्स का एक मान मिल गया मुझे 3-2y। अब इस समीकरण को उस वाली समीकरण में रखना जिसको हमने बदला ना हो। फिर से सुनो, जिस भी समीकरण को आपने इधर उधर लेकर गया, यानी कि एक्स वाई को दूसरी तरफ लेकर गया, तो जो मान मिला उसको उस वाली समीकरण में रखना जिसके साथ आपने कोई छेड़छाड़ नहीं की है, कुछ काम नहीं किया, कुछ भी आपने उसको ऐसे का ऐसे रखा हुआ है। आप सोचो मैंने दूसरी को दूसरे के साथ हेरा फेरी किया, हेरा फेरी समझ गए ना, ये हेरा फेरी किया, दूसरे के साथ थोड़ा बदला है, तो इसका जो बदलता हुआ रूप वो पहली समीकरण में रखेंगे। x=3-2y, ये समीकरण, इसमें क्या करेंगे, समीकरण 1 में जहां भी एक्स होगा वहां मैं यहाँ रख दूंगा 3-2y। जैसे ही समीकरण 1 लिखी हुई है 7x-15y=2, देखो 7 झुका तो इस x की जगह मैंने 3-2y रख दिया, देखो ये लिखा हुआ है 3-2y रख दिया, -15y=2। अब देखो 7 + 21 = 7 × 14, 15y=2। जब आप इनको सॉल्व करोगे, देखो 21 हो गया, 14 में 15 जोड़ोगे, माइनस के 29y हो जाएगा, और ये आपका 2 लिखा हुआ है। अब आप क्या करोगे, -29y यहीं कहीं है, 21 इधर आके माइनस हो जाएगा, 2 में से 21 जाके -19, माइनस से माइनस कैंसिल, y=19/29। इस वाई के मान को इसी समीकरण में रख देना जो आपने बनाई थी, इसको उतारा, x=3-2y, 3 as it is - 2y का मान रखा, ये 3 झुका तो 19 × 2 = 38 हो गया, / 29, लेस से 29 आ जाएगा, 29 + 87, 87 से 38 = 49/29। तो एक्स और वाई के मान ऐसे निकल गए, ये होती है प्रतिस्थापन विधि। आपने क्या, प्रतिस्थापन का मतलब होता है सब्स्टिट्यूट, यानी कि एक मान को दूसरे समीकरण में रखना, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं होता प्रतिस्थापन विधि। हमने क्या किया, किसी एक समीकरण को बदला, उसका मान दूसरे समीकरण में रख के, मान रख के दोनों वैल्यू निकाल ली, ये होती है प्रतिस्थापन विधि। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं। प्रश्नावली 3.3 लिखा है, निम्न रैखिक समीकरणों युग्म को, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करना। सारे सवाल को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। मैंने सारे नहीं कराया, कुछ कराया, कुछ आप कीजिएगा ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। पहले लिखे x+y=14, x-y=4, x+y=14, इसको समीकरण 1 कह दिया, इसको 2 कह दिया। हमने क्या किया, इस एक्स को यहीं कह रखा, वाई उधर आके प्लस का हो गया, 4+y समीकरण 3 बन गई, इसका मान समीकरण 1 में हम रख देंगे। अब देखो समीकरण 1 है, एक्स है ये रहा, और वाई की जगह वाई ये रहा, ये आपके समीकरण 1 है। यहाँ पे जहाँ एक्स से 4+y रख दिया, 4+y रख दिया, और वाई झुका तो 14, यहाँ से देखो आप 4 झुका तो वाई और वाई जोड़ के 2y = 14, 2y यहीं कहीं, 14 में 4 घटाओगे 10 आ जाएगा, 10 को 2 से भाग करोगे 5 आएगा, 1y का मान मिल गया। हमने क्या किया, दूसरे समीकरण को एक्स का मान वाई के रूप में निकाल लिया और उसको पहले समीकरण में रख दिया, वाई का मान 5 आ गया। अब इसी वाई के मान को इस समीकरण 3 में रख देंगे। समीकरण 3 क्या थी, x=4+y, ये रही, एक्स झुका तो 4 झुका तो वाई का मान 5, 4 5 को 9 जोड़ोगे 9, तो आपका एक्स का मान 9 आ गया, वाई का मान 5, ही होती है प्रतिस्थापन विधि। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ये सेकंड पार्ट दे रखा है, s-t=3 दे रखा है, s/3 + t/2 = 6 दे रखा है, इसको भी लिख लेते हैं। s-t=3 समीकरण 1, और जो दूसरी है इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। पहले 3 और 2 को ऐसे 6 हो गया, तो 2s + 3t = 6, ब्रज गुना करोगे आपको आता है, 2s + 3t की 1 में गुना करोगे तो यही आएगा, और 6 × 36, इसको समीकरण 2 कह दिया। अब हमें करनी है इसकी प्रतिस्थापन करना है, तो किसी एक को चेंज कर देते, चाहे आप पहली को कर दो चाहे दूसरी को कर दो, हमने कौन से को करा है देख ले। हमने पहले पहली वाले को लिखा है x = s-t = 3, तो t उधर आगे प्लस का, s = 3 + t हो गया, ये मान दूसरे समीकरण में, दूसरे समीकरण ये लिखी हुई,
जहां जहां एस था वहां पे 3 + t कर दिया, बाकी झुका तू। 2 × 6 = 2t + 3t = 36, 6 + 5t = 36, ये बहुत आसान। टी का मान 6 आ गया, और इस टी के मान को वापस किसी समीकरण में रख देना, आपका मिल जाएगा एस का मान 9। तो ये आपका आंसर। अब हम फोर्थ की बात करते हैं, थर्ड ने किया वो आप खुद करोगे। फोर्थ में लिखा 0.2x + 0.3y = 1.3, समीकरण 1। 0.4x + 0.5y = 2.3, समीकरण 2। हमने क्या किया, दूसरे को यहीं कहीं रखा, 0.4x बराबर, ये देखो वाई वाला पोर्शन इधर आके माइनस, समीकरण 3। मैंने क्या किया, 0.4 बटे में नहीं लिखा, शायद मैं भूल गया हूँगा, लेकिन हम जहाँ भी करेंगे इसको 0.4 को बटे में लिख देंगे। चाहे तो आप एक लाइन और लिख लेते, 0.4 गुना वाला बटे में चला जाएगा ना, यहाँ पे लिखना चाहो लिख लेना। समीकरण 2 में, समीकरण 1 में रख लेते, चलो 1 उतारी हमने, 0.2x + 0.3y = 1.3। देखो 0.2 एज इट इज, इस एक्स का मान 2.3 - 0.5y / 0.4 क्यों लिखा, क्योंकि देखो गुना वाला बटे में आ गया, तो यहाँ लिख दिया +0.3y = 1.3। अब इनकी हम करने वाले आगे मल्टीप्लाई, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए, ये हमने एज इट इज लिख लिया, जब आप 0.2 की 2.3 में गुना करोगे, 0.46 / 0.4, फिर 0.2 की आप 0.5 में मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 0.1y / फिर से 0.4। आगे लिखा हुआ है 0.3y = 1.3, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो देखो इसका पॉइंट हटाओगे नीचे 100 आ जाएगा, नीचे वाले का पॉइंट हटाओगे ऊपर 10 आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो गई, यहाँ पे एक यहाँ पे पॉइंट आपका कैंसिल हो गया, तो 1y/4 बन गया, ये हमने एज इट इज रखा। अब देखो ये बन गया 46 और 4 × 40 हो गया, यहाँ पे y/4 हो गया, इसका फिर पॉइंट हटाओगे 3y/10 हो गया, ये 1.3। अब हम क्या करेंगे, वाई वाई वाला एक तरफ रखेंगे, बाकी सबको दूसरी तरफ भेज देंगे, तो वाई वाला माइनस के y/4 + 3y/10 = 1। अब देखिए 4 और 10 का ले लिया हमने, लैसे 20 आ जाएगा, यहाँ पे 5y हो जाएगा, यहाँ पे 6y, ये तो आपका लैसे लेना आता ही है। अब देखो 20 से 40 को कैंसिल कर दिया 2 बार, 2 से 6 को काटोगे 3 बार, तो वाई का मान 3 आ गया। अब इस वाई के मान को हम उसी समीकरण में रख देंगे, देखो 0.4x = 2.3 - 0.5 गुना 3y का मान रखा, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो ये आ गया 0.4x = 2.3 - 1.5, 2.3 में से 1.5 घटाओगे 0.8, और सॉल्व होकर के एक्स का मान दो, एक्स भी मिल गया वाई भी मिल गया। चलिए पांचवे को देखते हैं, √2x + √3y = 0, 1 समीकरण, √3x - √y = 0, 2 समीकरण। हमने क्या किया, माइनस वाला इधर आके प्लस हो गया, एक्स गुना वाला बटे में चला गया, समीकरण 3, इसका मान पहले में रख दिया, पहले समीकरण ये रही, √2x + √3y = 0, जहां जहां एक्स को फिल कर दिया, √2 की √8x में गुना √16 / √3y + ये झूका तू, √16 किसका वर्ग होता है 4y + √3 + √3y = 0। अब हम इनका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम √3 आ जाएगा, देखो तो यहाँ पे 4y आ गया, और यहाँ पे √3 की √3 में गुना करोगे 3 आ जाएगा, 4 और 3 7y / √3 = 0, इनकी ब्रज गुना करोगे 7y + 7y = 0, वाई का मान कितना है 0, वाई का मान उस समीकरण में वापस रखोगे तो x 0, तो एक्स भी 0 मिल गया और वाई भी 0, ये आपका क्वेश्चन राइट। तो बाकी के क्वेश्चन आप फर्स्ट पार्ट के खुद कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं, देखिए सवाल नंबर 2 क्या लिखा है, 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए, और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3। यहाँ तक सवाल को बड़ो हल कीजिए, हल करने का मतलब दोनों को लिखा, प्रतिस्थापन विधि से हल कर दिया। ये देखिए पहली समीकरण, दूसरी, पहले क्या किया हमने, 2x को वहीं का वहीं, 4y उधर जाके प्लस का हो गया, -24 + 4y, 2 गुना वाला बटे में पहुंच गया। अब चाहे तो अलग अलग 2 से भाग करोगे, 2 से 24 12 बार कट गया, 2 से 4 2 बार कट गया, इसको समीकरण 3 कह दिया। अब ऐसे सोचो x = -12 + 2y, समीकरण 3 कह दिया, और ये मान हमने समीकरण 1 में रख दिया, समीकरण 1 को उतारा, जहाँ x है वहाँ पर -12 + 2y रख दिया, +3y एज इट इज, 11 एज इट इज, 2 की -12 में गुना करोगे 12 × 24, 2 × 4 3y = 11, -24 × 4 = 7 = 11, 7y हमने क्या किया, उधर भेज दिया माइनस के, चाहे आप इधर ही रख लेते हैं, हमने उधर भेज दिया, जरूरी नहीं है ना, आप तो मुझसे अच्छी कैलकुलेशन जानते हैं तो ऐसे कर लीजिए। हमने 11 को इधर ले लिया, 24 और 11 -k - k 35 हो गया, -k 7y, -k - -k कैंसिल, 7 × 5 = 35, y का मान 5,
इस तीसरे समीकरण में y का मान रखोगे आराम से, x बराबर -12 + 2y, -12 y का मान 5 रखा, 2 × 5 = 10, -12 में से 10 घटाओगे -2, तो x भी मिल गया और y भी मिल गया। लेकिन साथ साथ देखो क्या कहा है, m का मान ज्ञात करना है जिसके लिए y बराबर mx + 3। क्यों ना हम ऐसा कर दे, जो y का मान निकाला वह यहाँ पर रख दे, जो x का निकाला यहाँ पर रख दे, m निकल कर आ जाएगा, वही हम करने वाले हैं। देखिए हमने क्या किया, y बराबर mx + 3 लिख लिया, जो x का मान आया था -2 और y बराबर 5, इसमें हम रख देंगे, जहाँ y है 5 कर दिया, जहाँ x है -2 कर दिया, 5 एज इट इज़ -2m गुना हो के +3, -2m यही कहीं 3 इधर जाके माइनस का, 5 में से 3 गया 2, 2 से 2 कैंसिल करोगे, m का मान -1, तो आ गया m का मान। बहुत ही आसान, अगर नहीं समझ में आया वीडियो को पीछे ले जाइए दोबारा देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी नहीं समझ में आया, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, लिख दीजिए आपकी सारी प्रॉब्लम, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 3, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि से। नीचे कुछ सवाल दे रखे हैं, उनको पहले हमें समीकरण बनाना है, फिर प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि मैंने आपको समझा दी, बड़ी आसान भाषा में अच्छे से समझाने की कोशिश की है। पहले देख लीजिए, पहला सवाल लिखा है, दो संख्याओं का अंतर कितनी संख्या है, दो। हमें ये नहीं पता दो पहली कितनी है दूसरी कितनी है, लेकिन कहता है कि अंतर 6 है, अंतर 26 है। आप सोचो पहली संख्या एक्स है दूसरी वाई है, फिर से सोचो, पहली संख्या को एक्स मान लिया दूसरी संख्या को वाई मान लिया, पहली संख्या को x मान लिया दूसरी को y मान लिया, फिर कहता था अंतर 26 है, अंतर लिख दिया, अंतर का मतलब माइनस होता है, x माइनस y बराबर 26, समीकरण 1 कह दिया। फिर देखो आगे क्या बोलते हैं, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी, ऐसे लिखेंगे हम, एक संख्या दूसरी की 3 गुनी, देखो ऐसे लिख दिया, एक संख्या दूसरी की 3 गुनी, एक यानी कि पहली क्या थी x यहाँ पर, बराबर दूसरी क्या थी y, y लिखा कितना गुना कर दिया 3, तो x बराबर 3y, समीकरण 2। अब हम क्यों ना ऐसा करें, x बराबर 3y को समीकरण 1 में रख दें, x बराबर 3y का मान समीकरण 1 में रखने पर, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद ये काम आपका है, इसको आप रख दीजिए और आपका y का मान निकल कर आएगा, y वापस रख देना, x भी निकल कर आ जाएगा, तो आपको पहली संख्या भी पता चल जाएगी और दूसरी संख्या भी पता चल जाएगी। ये सवाल मैंने पूरा नहीं किया क्योंकि मैं चाहता हूँ आप भी कर लीजिए, वीडियो को यहीं कहीं पॉज कीजिए और इसका आंसर निकाल लीजिए, राइट। चलिए नेक्स्ट सवाल नंबर 2, देखिए क्या लिखा है, दो संपूरक कोण, एक शब्द आया संपूरक, जब दो कोणों को जोड़कर, एक इंसान को जोड़ दिया यानी कि एक कोण को जोड़ दिया दूसरे को जोड़ दिया, अगर दोनों को जोड़कर 180 आता है तो उनको हम संपूरक कोण कहते हैं, यानी कि जिन दो कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है उन्हें संपूरक कोण कहते हैं। हमने वे दो मान लिए, एक एक्स मान लिया दूसरा वाई, तो हम ये तो पता चल गया कि अगर हमने पहले कोण को एक्स मान लिया दूसरे को वाई मान लिया तो एक्स प्लस वाई तो 180 होगा ही होगा, क्योंकि दोनों कोणों का योगफल एक योगफल 180 होता है, ये संपूरक कोण की पहचान होती है। तो इतनी हमने छोटी सी लाइन पढ़ी और देखो हमने लिख दिया कि हमने एक कोण कह दो या बड़ा कोण कह दो, बड़ा कोण एक्स कह दिया, छोटा चाहे एक या दूसरा लिख लो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, माना बड़ा कोण एक्स है छोटा कोण वाई है। अब मैंने लिख के भी दिखा दिया, जब दो कोणों का योगफल 180 होता है तो उसे संपूरक कोण कहते हैं, तो दो कोण कौन कौन से आपके पास, एक्स और वाई दोनों को जोड़कर 180, ये बात तो समझ में आ गई होगी क्योंकि दोनों कोणों का योगफल 180 होगा तभी वो संपूरक होंगे, अगर यहाँ 90 होता तो कोटिपूरक होते हैं, पर कोटिपूरक वाला भी क्वेश्चन है नहीं, होगा तो बता देंगे, ज़्यादा टेंशन क्यों ले रहे हो। अभी आपको संपूरक की बात की है तो एक्स प्लस वाई बराबर 180, तो यह आपके समीकरण नंबर 1 मान लिया। अब देखो कुछ और आगे दे रखा हो, कुछ आगे बोलता है, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, ऐसे लिख देंगे हम बिल्कुल पहले, आप बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, बड़ा कोण था एक्स था, ऊपर देख लो बड़ा कोण था एक्स था, एक्स रख दिया, छोटा कोण था वाई था, कितना अधिक है 18, तो एक्स बराबर वाई प्लस 18, समीकरण 2 कह दें, इसको आप फिर यहाँ पर फिल कर देना। आधे आधे कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ आप ही कर लीजिए, वरना अगर मैं ही करा दूंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा भी लंबी हो जाएगी और सारा कुछ मैं ही करा कर दे दूंगा तो आप क्या करोगे, ऐसे तो आप लोग लेजी हो जाओगे, आलसी हो जाओगे, जो हम बिल्कुल भी नहीं चाहते। तो यहाँ से x बराबर वाई प्लस 18, जहाँ जहाँ x होगा समीकरण 1 में, y प्लस 18 निकाल रख देना, y का मान निकल कर आएगा, यहाँ पर x निकल जाएगा, तो दोनों कोण मिल जाएंगे कि बड़ा कितना है और छोटा कोण कितना है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
तीसरा सवाल देखिए, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदे 3800 रुपये में खरीदे। देखो गेंद और बल्ले वाले क्वेश्चन आराम से करे थे हमने, हमने कहा था मान लिया एक बल्ला एक्स का और एक गेंद वाई की, तो 7 बल्ले 7x की होगी और 6 गेंद 6y की होगी। तो एक कोटेशन तो यही, एक इक्वेशन तो यहीं से मिल जाएगी, 7x + 6y = 3800। आगे बोलते हैं बाद में उसने क्या किया, 3 बल्ले और 5 गेंदे 1750 में खरीदी। तो 3 के लिए 3x 5 के लिए 5y, 3x + 5y = 1750। नहीं समझ में आया, चलिए ऐसे देखिए, माना एक बल्ला एक्स का तो 7 बल्ले 7x के हो गए, एक गेंद वाई की तो 6 गेंदे 6y की। पहले उसने 3800 रुपये पे किए, यानी कि 7 बल्ले हो गए और 6 गेंदों के उसने 3800 रुपये दिए सामान देने वाले को, तो 7x + 6y = 3800। फिर दोबारा उसने 3 गेंदे खरीदी थी और 5 3 बल्ले खरीदे थे और 5 गेंदों, तो 3x + 5y = 1750। समीकरण दो, 3x को यहीं कहीं रखा, 5y इधर जाके माइनस हो गया, 3 गुना में है तो बटे में पहुंच गया, बटे में पहुंच गया ना। अब इस मान को समीकरण एक में हम रखने वाले हैं, कहाँ रखने वाले हैं, समीकरण एक में लिख दिया हमने, x = 1750 - 5y/3, समीकरण 3 कॉमन समीकरण 1 में रखने पर, राइट। तो अब इसको कौन रखेगा, इसको रखोगे आप लोग, और एक्स और वाई के मान निकाल लोगे। देखिए मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं पूरे पूरे नहीं कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ आप खुद से कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और जल्दी से आंसर निकाल लीजिए। आपको पता चल जाएगा एक गेंद कितने की है और एक बल्ला कितने का है। एक्स और वाई के मान निकालने प्रतिस्थापन विधि मैं आपको सिखा चुका हूँ। अब चलिए सीधे अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। देखिए इस सवाल चार को देखिए, एक नगर में एक शहर है, टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। अरे बाप रे कितनी बड़ी लाइन लिखी हुई है, तोड़ तोड़ कर पढ़ते। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त, एक शब्द आया नियत भाड़े के अतिरिक्त। अब ऐसे सोचो, आप किसी शहर में जा रहे हो, आप किसी शहर में जा रहे हो और आप टैक्सी में बैठकर जा रहे हो। अब सीधी सी बात है, टैक्सी वाले को पैसे भी तो दोगे, बिल्कुल देंगे। तो टैक्सी वाले ने क्या कर रखा है, एक तो एक चार्ज तो फिक्स कर रखा है। कहने का मतलब आप चाहे 5 मिनट की दूरी करो या 7 मिनट की दूरी करो, कुछ भी दूरी करो, आपको वो तो फिक्स देना ही देना है। तो हम मान लेंगे जो नियत है, वो फिक्स को नियत बोल दिया, वो फिक्स को अंग्रेज हिंदी में नियत है, वो जो नियत जो पैसा है वो हमने मान लिया वो एक्स है, कितना है एक्स है, उसके अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। मतलब एक तो फिक्स है ही, यानी कि जिस भी आप ऑटो में रिक्शा में बैठोगे एक तो आपको फिक्स देना ही देना पड़ेगा जो पहले से, दूसरा आप जितना वो आप जितनी दूरी चलोगे उसके हिसाब से लेगा। तो यानी कि दो तरह के भाड़े हैं, एक तो नियत भाड़ा है और एक अतिरिक्त, दो शब्द हमने पकड़ लिए, एक तो नियत है एक अतिरिक्त। मैं बोलता हूँ कि नियत वाला एक्स है और अतिरिक्त वाला वाई है। फिर से सोचो, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त, नियत भाड़े के अतिरिक्त, पहले नियत भी तो कुछ होगा ना, नियत एक्स है और अतिरिक्त वाला वाई है। हमने ऐसे लिख लिया कि माना नियत भाड़ा एक्स है और अतिरिक्त भाड़ा वाई है, राइट। नियत वाला एक्स और ये वाई है, यानी कि एक्स आपको देना ही पड़ेगा चाहे आप कितनी दूर जाओ, एक्स तो ऐड होके आएगा ही आएगा, एक्स तो देना ही पड़ेगा, वाई डिपेंड करेगा कितनी दूर चल रहे हो। अब देखो कैसे, 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 है। अब आप सोचो, अगर आपको 10 किलोमीटर जाना है, 10 किलोमीटर जाना है तो आपको 105 रुपये देने पड़ेंगे। अब आप सोच रहे हो अतिरिक्त, आप पहले आपको एक्स तो देना पड़ेगा, बिल्कुल देना पड़ेगा क्योंकि नियत है, एक्स तो दोगे ही दोगे और जो अतिरिक्त है वो वाई में कितना दोगे, 10 और। तो ऐसे समझो कि देखो हमने क्या किया कि एक्स तो वो देगा ही क्योंकि फिक्स था, प्लस कितना चल रहा है 10, अतिरिक्त कितना है वाई, मैंने अतिरिक्त को वाई मान रखा था, कितना मान रखा था वाई, और चलना कितना है 10 किलोमीटर, तो 10 की वाई में गुना होगी, x + 10y = 105। फिर से समझो, एक्स तो फिक्स था ही, अतिरिक्त था वाई, चला कितना 10, तो दोनों की गुना कर दी, तो x + 10y = 105। समीकरण 1। फिर से अब देखो, कुछ और कंडीशन दे रखी होगी, बिल्कुल दे रखी है। बोलते हैं 15 किलोमीटर के लिए 155 है, फिर वही बात 15 के लिए, यानी कि एक्स तो फिक्स था, एक्स तो ये रहा, एक्स आपका फिक्स था, इस बार 15 चला तो 15y = 155। देखो ये एक्स आपका फिक्स था, ऑटो वाले ने रिक्शा वाले ने कहा था कि भैया बैठो चाहे 5 मिनट चलो या 10 मिनट चलो, एक्स तो आपको देना ही पड़ेगा, जी भैया दे रहे हैं, अतिरिक्त 10 के लिए 10y हो गया, 15 के लिए 15y। यहाँ पर 105 था टोटल, यहाँ पर 155 था, तो x + 15y = 155। समीकरण 2, हमने क्या किया एक्स यही कहीं, 15y इधर जाके माइनस। समीकरण 3, इस समीकरण 3 को एक में रखोगे, चलिए समीकरण 1 को हमने उतार लिया, x + 10y = 105, एक्स की जगह 155 - 5 15y रख दिया, +10y = 105। यहां से आप सोल्व करते जाओ, आपको y का मान मिल जाएगा। जब आपको y का मान मिल जाएगा, समीकरण 3 में वापस रख दोगे, ऐसे रखते जाओगे, x का मान 5 आ जाएगा। तो इतना समझ में आ गया। अब देखो सवाल कुछ क्या पूछा गया था, बोलता है कि 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा। फिर से वही बात, 25 के लिए x तो इसमें भी फिक्स है ना, 25 के लिए
हमने क्या लिखा, 25 किलोमीटर यात्रा के लिए x तो झुका तो रहेगा प्लस 25y, x का मान 5 आया, 25 y का 10 आया, 25 दाम 250, 250 में 5 जोड़ोगे 255, यानी कि अगर उसको 25 किलोमीटर यात्रा करनी है तो 255 रुपये देने पड़ेगा। इसमें आपका x तो पहले ही फिक्स था, यानी कि जो ऑटो वाले ने फिक्स कर रखा वो तो देना ही पड़ेगा। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा, राइट। चलिए नेक्स्ट देखिए, यदि किसी भिन्न भिन्न वाले क्वेश्चन कितने आसानी से बताए थे, हमने कह लिया माना भिन्न एक्स बटा वाई है, भिन्न वाला एक्स बटा वाई है। अगर मैंने आपको नहीं बताया तो फिर से बता देता हूँ, अगर भिन्न वाले मैंने नहीं बताया आप लोगों को, भिन्न की बात होती है, भिन्न दो शब्दों से मिलकर बनता है, अंश और हर से। ये देखो हमने मान लिया माना भिन्न एक्स बटा वाई है, भिन्न आपका ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है, समझ में आ गया, राइट। आगे देखिए, आगे बोलते हैं ये भिन्न भिन्न के अंश और हर दोनों में दो जोड़ दिया, ऊपर वाले में भी जोड़ दो जोड़ दिया, नीचे वाले में दो जोड़ दिया, ऐसा करने पर क्या हो गया 9/11, ऊपर वाले में भी दो जोड़ दिया, नीचे वाले में दो जोड़ दिया, ऐसा करने पर क्या हो 9/11, ब्रजगुना करोगे 11x 11 दुना 22, 9 9y 9 दुनी 18, इतना आ गया। यहाँ से 11x 9y को इधर ले गए, 18 22 को उधर ले गए, 11x माइनस 9y बराबर -4, समीकरण 1। इतनी बात समझ में आ गई जी, बिल्कुल। आगे देखिए फिर से कुछ बोलते हैं, उसके बाद बोलते हैं यहाँ पे देखिए, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दे रहे, इस बार 3 को जुड़वा रहा है, चलिए जोड़ देते हैं, 3 जोड़ दिया, एक्स प्लस 3 बटा वाई प्लस 3, इस बार 5/6, फिर से इनकी ब्रजगुना करोगे आप, 6x + 6 = 18, देखो इनकी कर दी गुना, 6x + 6 = 18, 5y + 5 = 15, 6x - 5y = 15 - 18, 6x - 5y = -3, 6x को यहीं कहीं, 5y उधर जाके प्लस का, 6/6 में चला जाएगा, इसको फिर अब 3 मान के 1 में मान रखोगे, 1 को हमने उतार के दिखा दिया, 11x - 9y = -4, x की जगह ये मान फिल कर दिया, 11 3 33/6, 11 5 55/6, 9y हमने क्या किया, वाई वाई वाले एक तरफ, माइनस वाले भाई साहब दूसरी तरफ भाग चले गए, 6 और 1 का लह से 6 आ गया, यहाँ पे 55y, 9 6 54y, ये 6 का लह से 6 आ गया, 1 6 का 6 6 चौक 24, देखो 6 से 6 पिट गए, कट गए, कैंसिल हो गए, 55 में से 54 घटाओगे 1y, 33 में से 24 घटाओगे 9, कितना आ गया 9, तो y का मान 9 आ गया। समीकरण 3 में इस y का मान रखना, x का मान भी आ जाएगा, तो भिन्न आपने मानी थी x बटा y और x का मान 7 था, y 9, तो आपकी भिन्न आ गई 7/9। बहुत ही आसान है, दोबारा देख लीजिए समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन करते हैं इस एक्सरसाइज का, ये देखो लिखा है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, आयु वाले क्वेश्चन फिर से आ गए, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसकी पुत्र की आयु की से 3 गुनी हो जाएगी, दो व्यक्ति है जैकब और उसका पुत्र, आप मान लो जैकब एक्स का है और पुत्र वाई साल का है, जैकब देखो एक्स वर्ष का पुत्र वाई वर्ष का, 5 वर्ष बाद क्या बोलता है, कहता है 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद सीधी सी बात है आयु जुड़ेगी, तो 5 वर्ष बाद जैकब एक्स प्लस 5 का होगा, पुत्र वाई प्लस 5 का होगा, ऐसे 3 गुना कहता है, लिख दिया हमने 5 वर्ष बाद जैकब पुत्र का 3 गुना, तो 5 वर्ष बाद जैकब कितने को होगा, एक्स प्लस 5 पुत्र वाई प्लस 5 गुना 3, तो एक्स प्लस 5 बराबर वाई प्लस 5 गुना 3, एक्स प्लस 5 बराबर वाई प्लस 5 गुना 3, ये देखो झुका तो 3 के अंदर आपको गुना करनी आती है, तो ऐसे बन गया एक्स माइनस 3y = 10 बराबर समीकरण नंबर 1। इस बार आगे कहते हैं, आगे देखिए लिखा है 5 वर्ष पूर्व, अब पुरानी बात कर रहे हैं, पहली बात करें तो घटेगा, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी थी, फिर से वही लिख दिया, 5 वर्ष पूर्व जैकब पुत्र की आयु से 7 गुनी, 5 वर्ष पहले जैकब एक्स माइनस 5 पुराने में घटेगा पूर्व में, पुत्र वाई माइनस 7 गुना 7, वाई माइनस 5 गुना 7, 7 के अंदर गुना 7y - 35, इसको सॉल्व करते जाओगे यहाँ बनेगा x - 7y = -3 समीकरण 2, 7y उधर जाके प्लस का समीकरण 3, प्रतिस्थापन लगा रहे हैं ना, इसको ऊपर फिल करना, आपने क्या किया x - 3y = 10 लिखा, जहाँ x - 30 + 7y लिखा, इसको सॉल्व करते जाओगे y का मान 10 आ जाएगा, y का मान फिर से समीकरण 3 में रखोगे, x का मान मिल जाएगा आपको 40, तो जैकब आपका 40 वर्ष का है और पुत्र आपका 10 वर्ष का है। आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत आ गई हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना, कुछ हमारी तरफ से कुछ समझाने में कुछ कमी रह गई हो तो प्लीज़ लिख देना। प्रश्नावली 3.4 को करते हैं, देखिए प्रश्नावली 3.4, पहला सवाल लिखा है निम्न समीकरण युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। पहले देखो प्रतिस्थापन विधि आपने 3.3 सीख ली है, तो मैं इसको दोबारा नहीं करूंगा, शब्द आया विलोपन विधि, विलोपन विधि प्रतिस्थापन विधि से और भी ज़्यादा अच्छी है। विलोपन विधि में क्या करेंगे हम, देखो लिखा है एक्स प्लस वाई बराबर 5, 2x - 3y = 4, इसमें से क्या करेंगे, या तो x वाले को एक जैसा कर लो
या वाई वालों को एक जैसा कर लो, इसे बोलते हैं विलोपन विधि। या तो एक्स की गुणांक यानी कि एक्स का गुणांक एक जैसा कर लो या वाई का गुणांक एक जैसा कर लो, पर दोनों को नहीं करना है, एक को करना है, ताकि हम क्या करें जब हम या तो जोड़ दें या घटा दें, कुछ हमारा कट जाए। फिर से बता रहा हूँ विलोपन विधि में क्या होता है, या तो एक्स वाले को गुणांक को एक जैसा कर लो, जैसे कि यहाँ पे केवल एक एक्स है, कुछ नहीं है तो एक है, एक एक्स है, यहाँ पे दो एक्स है। अगर यहाँ पे दो एक्स होता ना फिर कट जाता ना, अगर घटाते कट जाता, बिल्कुल कट जाता। तो ये हम इस विलोपन विधि में सीखने वाले हैं। पहले बोल रहा हूँ प्रतिस्थापन विधि हमें, मैं नहीं करके दिखाऊंगा, आपको कर लेनी है, क्योंकि दोनों क्वेश्चन पार्ट दोनों तरीकों से करना है। एक बात और देखो क्या लिखा है, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। देखो ये तो बिल्कुल बेकार सी बातें लिखी है, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, हमारे लिए तो वही अच्छी है जो हमसे सवाल हो रहे हैं। सीधी सी बात है भैया, हमने जो समझ में आता है हमारे लिए वही अच्छा है, सीधी सी बात है। अगर विलोपन से हमारा क्वेश्चन हो रहा है, विलोपन अच्छी है, प्रतिस्थापन से हल हो रहा है तो प्रतिस्थापन अच्छी है, ये कोई बड़ी बात नहीं। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, सबको कोई ना कोई अलग अलग अच्छी विधि लगती है, राइट। तो चलिए मैं पहला क्वेश्चन आपको करके दिखाता हूँ विलोपन विधि से। इसको एक समीकरण, इसको दो समीकरण, लो जी मैंने उतार लिया इसको। एक्स प्लस ये वाई लिखा हुआ है, एक्स प्लस वाई बराबर 5 है समीकरण एक, 2x-3y=4। अब देखो ये एक्स एक बार है, ये दो बार है, हम क्या करते हैं या तो इसको 2 बना लेते हैं या इसको 3 बना लेते हैं। हमने एक्स वाले को 2 बनाना, 2 करने के लिए क्या करेंगे, पहले समीकरण में 2 से गुना करेंगे विलोपन विधि से। ये समीकरण लिखिए, देखो गुना 2 लगा दिया, इसका मतलब मैं 2 से गुना करने वाला हूँ। 2 की एक्स में गुना करोगे 2x हो गया, इस 2 की वाई में गुना करोगे 2y हो गया, इस 2 की 5 में गुना करोगे 2 पर 10। तो ये बनकर आए देखो 2x+2y=10। फिर से समझो, हमने एक्स वाले गुणांक को एक जैसा बनाना चाहेंगे, हम सोच रहे कि भी एक्स वाला एक जैसा बन जाए तो हम एक्स एक्स 2x से एक्स 2x कट जाएगा, तो हमने 2 से गुना कर दी, 2x+2y 2 पर 10, नीचे वाली एक जैसी लिख दी। अब हम इसको घटाने वाले हैं, जब आप घटाते हो तो चिन्ह को बदल देते हैं, जो प्लस हो गया वो माइनस कर दिया, जो माइनस है वो प्लस कर दिया, जो प्लस है वो माइनस। अब देखो एक भाई साहब प्लस के एक माइनस के कैंसिल हो गया, ये 2 भी प्लस का हो गया, 3 भी, 2 और 3 5 हो गए, 10 में से 4 घटाओगे 6 आ जाएगा, तो 5y=6 कितना आया, 5y=6, तो 5y=6, वाई का मान 6/5। इस वाई के मान को चाहे पहली समीकरण में रख दो या दूसरी में रख दो, आपका आंसर आ जाएगा, राइट। वाई का मान हमने समीकरण एक में रखा, x+y=5, x+6/5=5, 6/5 इधर जाके माइनस का, दोनों के लैसे 5 × 5 = 25, -6, 25 में 6 गया 19/5, तो आपका ये आ गया x=19/5। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फोर्थ देख लीजिए, हमने डायरेक्ट फोर्थ बता दिया आपको, ये समीकरण दे रखी है, दोनों का लैसे लिया 6 आ गया, ये 3x, देखो लैसे लेना आता है बिल्कुल, देख लीजिए आप ध्यान से कैसे कर रखा है, ब्रज गुना करके 3x+4y=-6 हो गया। दूसरे वाले समीकरण को लिखा, इनका भी लैसे लोगे 3, तो 3x-y=3, 3x-y/3=3, ब्रज गुना करोगे 3x-y + 3x-y, 3 × 3 = 9, समीकरण 2। अब देखो ये भी 3x है, ये भी 3x है, तो कुछ गुना करने की भी जरूरत नहीं पड़ी, सीधा घटा दिया हमने, कैंसिल हो गया, ये माइनस के 1 है, ये माइनस के 1 है, -4, -5y = 9 और 6 15 हो गया, 5 से 15 को कटाओगे 3 बार, y = -3। समीकरण एक में ये मान रखोगे, ध्यान से देखो आपका आंसर आ जाएगा, तो x कितना आ गया 2। तो ये होती है आपकी विलोपन विधि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सवाल नंबर 2, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए, उनको हल कीजिए विलोपन विधि से। जैसे पिछले वाली एक्सरसाइज में प्रतिस्थापन विधि लगाई थी, यहाँ पे विलोपन लगाएंगे। पहला सवाल अंश और हर, देखो अंश और हर की बात करें, भिन्न आपने भिन्न को x/y मान लोगे, x/y माना, अंश और हर ऊपर वाला, पहली कंडीशन देखो ध्यान से देखो, अंश में 1 जोड़ना है, अच्छा हर में 1 घटाना है, तो ऐसा करने पर 1 बन गया, अंश में 1 जोड़ा हर में 1 घटाया, 1 बना, 1/1 किया, ब्रज गुना करोगे x+1 = x+1 = y-1, इनको y को इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो देखो ये बन गया आपका x+1 = y-1, तो y को इधर जाके माइनस, x-y = -1 - 1, x-y = -2, समीकरण 1। दूसरी कंडीशन भी कुछ दे रखी है, इस बार कहता है, इस बार आपको कह रहा है यदि हर में 1 जोड़ दो, देखो बोला यदि हर में 1 जोड़ दो, अंश वाले के बारे में कोई जानकारी नहीं दी, यानी कि अंश तो झुका तो रहेगा, हर हर में 1 जोड़ना है तो 1/2 हो जाएगा। देखो हर में अंश में कुछ नहीं जोड़ना, हर में 1 जोड़ना है, 1/2 हो गया। फिर से ब्रज गुना, x 2x = y+1, ये बन गया 2x-y = 1, समीकरण 2। दोनों को लिख कर देखा, लिख के देखा आपने तो आपको गुना करने की भी जरूरत नहीं पड़ी, वाई वाले एक एक जैसे थे, बस घटा दिया कट गए, -2 में से घटाओगे -x = -3, x = 3। यहाँ से समीकरण एक में ये मान रखोगे, आपका y आ जाएगा 5, तो आपकी जो भिन्न है वो आपकी आ जाएगी x/y यानी कि 3/5। तो दोस्तों
मेरे ख्याल से वीडियो बहुत लंबी हो रही है, तो मैं आज इस लेक्चर को यहीं पे रोक रहा हूँ। शायद मैं ज़्यादा नहीं करा पाऊँगा क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, तो इससे आगे क्वेश्चन अगली वीडियो में करा दूंगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आएगी तो अच्छा सा कमेंट कर देना, लाइक कर देना वीडियो को, शेयर कर देना, और तैयारी को में अपनी चार चांद लगा लीजिए, बैठ कर कर लीजिए। अच्छे मार्क्स आने से कोई नहीं रोक सकता मैथमेटिक्स से। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।